हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ प्लीज टेक पेज नंबर 12 इन योर जीके बुक ऑल अबाउट नेम्स। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रीड करनी है, देन उसके नेम लिखने हैं। अ बॉय नेम्ड वीर मीनिंग ब्रेव। अगर किसी का नेम है वीर तो उसका मीनिंग होता है ब्रेव, बहादुर इन हिंदी। मे टर्न आउट टू बी ए ट्रूली ब्रेव पर्सन बट अनदर बॉय नेम विजय मीनिंग विक्ट्री इन हिंदी। अगर किसी का नेम विजय है तो उसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? विक्टरी। मे ऑलवेज बी ऑन द लूजिंग साइड। सम पीपल हैव सुटेबल नेम्स व्हाइल अदर डू नॉट। तो कोई पर्सन उसके नेम के अकॉर्डिंग वर्क करता है तो कोई नहीं भी करते हैं। दिस इज ट्रू ऑफ बर्ड। और वैसा ही बर्ड के साथ भी है, इंसेक्ट एंड एनिमल्स टू। नेम दिस बर्ड दैट हैव राइट नेम्स। ऐसे एनिमल जिसके राइट नेम है, हम कह सकते हैं कि हाँ स्पेस वो ऐसा करता है इसलिए उसका नेम ऐसा है। हाँ, किसी का ऐसा नेम हो वीर तो हम कहते हैं ना कि वीर नेम है इसलिए वो बहुत बहादुर है। तो वो अपने नेम के अकॉर्डिंग जो वर्क करता है तो वो उसको सूटेबल होता है उसका नेम। इसी तरह बर्ड्स में भी जो नेम उसके हैं तो वो सूटेबल है, वो ऐसा वर्क करते हैं इसलिए उनको हम ऐसा नेम दिया हुआ है, उसका ऐसा नेम है। तो फर्स्ट वन है आई मेक माई नेस्ट बाय स्विंग द एज ऑफ द लीव्स टुगेदर यूजिंग माई बीक एज अ नीडल। ये बर्ड वो कह रहा है कि मैं मेरा नेस्ट है, आई मीन वो जहाँ पे रहता है वो मैं लीव्स को टुगेदर, लीव्स को एक दूसरे से साथ उनको जोड़ के एक नीडल, एक सोई की तरह अपनी बीक से मैं उसको स्टिच करके अपना नेस्ट बनाता हूँ। तो उसका नाम है टेलर बर्ड। टेलर क्या करता है? कपड़े को सीता है ना। यस, इसलिए ये बर्ड का नेम है वो भी अपना लीव्स को सी के अपना नेस्ट है वो बनाता है, इसलिए उसका नाम है टेलर बर्ड। सेकंड नंबर पे आई एम द स्मॉलेस्ट बर्ड एंड आई गेट माई नेम फ्रॉम द साउंड ऑफ विंग्स। वो कहता है कि मैं बहुत छोटा बर्ड हूँ और मैं मेरे साउंड के गेट माई नेम फ्रॉम द साउंड ऑफ माई विंग्स। मेरे जो विंग्स है उसका जो साउंड होता है उसके ऊपर से मेरा नेम पड़ा है। मेरा नेम विच फ्लैप एट अ वेरी हाई स्पीड, जो बड़ी हाई स्पीड पे फ्लैप होता है तो वो है हमिंग बर्ड। थर्ड नंबर पे आई एम अ लॉन्ग टेल्ड सॉन्ग बर्ड। ये जो बर्ड है उसकी लॉन्ग टेल है, लंबी पूंछ है। फाउंड मेनली इन ट्रॉपिकल अमेरिका। आई एम नोटेड फॉर मिमिकिंग द कॉल्स एंड सॉन्ग्स ऑफ द अदर बर्ड। तो वो है मॉकिंग बर्ड। अब एक्सरसाइज बी, नेम दिस एनिमल्स दैट हैव अ रॉन्ग नेम्स। ये तीन एनिमल्स हमने जो रीड किए उसके राइट नेम है, वो वैसा ही वर्क करते हैं। अब ये रॉन्ग नेम तो है, जिस तरह ऊपर हमने रीड किया ना कि किसी का ऐसा नेम होता है बट उसके अकॉर्डिंग वो वर्क नहीं कहते करते, इसलिए हम कहते हैं कि इसका तो ये गलत नाम है, नेम क्या है और काम कैसे है। तो इस तरह ऐसे एनिमल्स हैं कि उनके नेम क्या है और उसके वर्क क्या है देखेंगे। आई एम टेललेस साउथ अमेरिकन रोडेंट टिपिकली केप्ट एज अ पेट और फॉर लेबोरेटरी रिसर्च। दो द फर्स्ट पार्ट ऑफ माई नेम इस कंट्री इन वेस्टर्न अफ्रीका। ये कहता है कि मैं टेललेस एनिमल हूँ, मेरी पूंछ नहीं है, टिपिकल टाइप का पेट एनिमल है और लेबोरेटरी रिसर्च उस पर किया जाता है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम इस कंट्री ऑफ वेस्ट अफ्रीका पे ऊपर से उसका नेम है। हैव नथिंग टू डू विथ दैट कंट्री एंड आई एम नॉट अ पिग। और ये न तो पिग है तो वो क्या है? गिनी पिग। यस। सेकंड नंबर पे आई एम ऑल्सो नॉन एज अ ग्लो वर्म दो आई एम नॉट अ वर्म। मैं ग्लो वर्म के नाम से जाना जाता हूँ बट मैं वर्म नहीं हूँ। आई एम एक्चुअली ए विंग्ड बीटल, एक्चुअली में वो बीटल है तो वो है फायर फ्लाई। फिर थर्ड नंबर पे है आई एम अ बिग लेगलेस ब्रोविंग लिजार्ड। ये वन टाइप ऑफ लिजार्ड है जिसकी लेगलेस है, उसके लेग नहीं है। विथ अ स्मूथ शाइनिंग स्किन, इसकी स्किन कैसी है? एकदम शाइनिंग और स्मूथ। आई एम ऑफन मिस्टेकन फॉर अ स्नेक। वो क्या कहता है कि मैं
ज़्यादातर स्नेक में मेरी मिस्टेक हो जाती है, आई मीन उसको स्नेक से ही वो पहचानते हैं। इनफेक्ट आई एम कॉल्ड अ ग्लास स्नेक, उसको मिस्टेकन और भूल से उसको क्या कहते हैं, ग्लास स्नेक। ओके, फिट ऑन द पेज। द अमेजिंग वर्ड ऑफ एनिमल, पूरे एनिमल का वर्ड बस कैसे कहते, अमेजिंग है। राइट, टी फॉर ट्रू, ए फॉर फॉल्स। सो ऑक्टोपस हैव ह्यूमन लाइक आइज, ऑक्टोपस के पास ह्यूमन यानी कि हमारी तरह, आप और मेरी तरह उसकी आइज होती है। वेन इन डेंजर दे स्क्वेड क्लाउड ऑफ अ ब्लैक ब्लैक इंक विच हेल्प देम टू हाइड एंड एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज। बट उनकी एक ब्लू और ब्लैक कलर की इंक से वो अपने आप को हाइड कर देते हैं। जब उनको कोई एनिमी की डर लगता है, उनको उनसे छुपाने के लिए वो अपनी बॉडी का कलर वो चेंज कर लेते हैं। सो वो सेंटेंस है ट्रू। फिर है ऑर्गन क्रंस एंड द डॉल्फिन्स आर अमोंग द ब्लिस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द वर्ल्ड। सो सेंटेंस इज फॉल्स। सी सोर्स हैज अ शूट ऑफ द आर्मोर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इट्स एनिमीज। सेंटेंस इज ट्रू। कॉकरोच कैन नॉट सर्वाइव अंडर वाटर। फॉल्स। कॉकरोच है वो वाटर में, वाटर के नीचे नहीं रह सकता। तो सेंटेंस इज फॉल। ब्लू व्हेल हैव द लार्जेस्ट आई अमंग द एनिमल्स, ईच मेजरिंग 16 इंच अक्रॉस। फॉल्स। ब्लू व्हेल की आईज की इंचेस बताई गई है, जो फॉल्स है। एलिफेंट्स कैन नॉट जम्प। ट्रू, एलिफेंट्स जम्प नहीं कर सकता। सो सेंटेंस इज ट्रू। द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड फाउंड इन इंडिया एंड द पाकिस्तान इज इन द endangered species. This bird feeds on a small snake, lizard, scorpions, wheat, millet and a groundnut. So sentence is true. के एक ऐसे बस्टर्ड है जो इंडिया एंड पाकिस्तान में मिलते हैं और वो endangered species है। endangered means कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हमें। वो ज़्यादातर हमें wheat यानी कि गेहूँ में, millet बाजरे में और ग्राउंड एंड सैंड मगफड़ी होती है उसमें मिलते हैं। तो सेंटेंस इज ट्रू। 188 डेसिबल्स। द ट्रम्पेट ऑफ एन एलिफेंट इज द लाउडेस्ट साउंड प्रोडक्टेड बाय एन एनिमल। सेंटेंस इज फॉल्स। एनिमल में जो एलिफेंट है उसकी साउंड की उतने डेसिबल पे उसका साउंड बताया है। सो इतना साउंड वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। सो सेंटेंस इज फॉल्स। 9th, 5 out of every 10 living things live in the ocean. False. Hermit crabs were empty mollusk cells for the protections. When they outgrow these cells, they grow cells of their own. Sentence is false. The bones of a pigeon. Pigeon, ila pata hai dove, were less than इट्स फेदर। ट्रू, इसके बोन हैं वो इतने लाइट होते हैं जो उसके फेदर से भी कम होते हैं। बोन्स ऑफ पिज़्ज़ा। यस, सेंटेंस इज ट्रू। ओके, सो इस तरह आपको भी पेज नंबर 13 तक कंप्लीट कर लेना है।